तो कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं और किस तरह से हम नॉर्मली पेस्ट स्पेशल के हम यहाँ तक आए थे, और आपको मैंने रिसर्च दिया था करने के लिए कि पेस्ट एज ऑपरेशन का क्या यूज है। और जहाँ तक मैं अपनी मेल आईडी रात तक चेक किया है, आपकी कोई मेल आई नहीं है। तो चलिए हम मैं अपने तरीके बताता हूँ कि मैं कैसे इसका यूज करता हूँ। हम टॉपिक ये करने जा रहे हैं कि जैसे हम 20 लिखते हैं और 30 लिखते हैं, तो 30 को जब हम नॉर्मली पेस्ट करते हैं तो 20 30 से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल के अंदर में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी होती है यहाँ ऑपरेशन की, कि अगर मैंने मान लीजिए कि ऐड कर दिया तो वो दोनों के बीच में एडिशन हो जाएगा और यहाँ यहाँ पे आपको 50 शो करेगा। ओके सर, बिल्कुल इसका बेनिफिट क्या है? हम बात करने जा रहे हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट्स के बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20% लिखना है, तो 20 और फिर परसेंटेज का सेक्शन देते हैं तो 20% होता है। अगर आपने 20 लिख दिया, उसके बाद में अगर परसेंटेज लगाते हैं तो 20 इज द 2000%, मतलब तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने 20 लिख दिया और फिर परसेंटेज दिया था, 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है। अगर तो मुझे बाद में परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.20 और फिर इस पे परसेंटेज देना होगा, तब जाके करेक्ट आएगा। तो अभी क्या है कि हमारे जो एक कलिग थे वो क्या करते थे कि मुझे परसेंटेज का सैंपल यहाँ पे दे देते थे और यहाँ पे हमें कुछ फिगर भेज देते थे। फिगर जो है वो नंबर्स भी हुआ करता था, लेकिन वो एक्चुअली परसेंटेज ही होता था। अब मुझे इसको जहां यूज करना था वहां नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि वहां ये 12 नहीं चाहिए, 12% चाहिए होता है था, क्योंकि अगर मैं वहां यूज करूंगा तो 1200% हो जाएगा। तो वहां पे 12 नहीं, 12% चाहिए होता था। तो कैसे करें, इसके लिए हमने सॉल्यूशन क्या ढूंढा, हमने किसी और जगह पे 100 टाइप किया और फिर इस 100 को कॉपी किया इसके ऊपर, फिर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और फिर इसमें हमने कर दिया डिवाइड। तो हर नंबर हमारा 100 से डिवाइड हो गया, फिर इसके ऊपर हम परसेंटेज का सैंपल दे दिए। तो हर नंबर हमारा डिवाइड हो गया परसेंटेज से और हमने परसेंटेज का सैंपल दे दिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ना यही नहीं, हम दूसरा एग्जांपल दें तो जैसे कि मेरे पास मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और ये हमारे पास प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कोड्स है, मान प्रोडक्ट्स के सेल्स है।
मैं इसके ऊपर मान लीजिए कि ये तो चलो ठीक है, हमारा ये है सेल्स है और ये हमारा टारगेट है कि हर दिन हर प्रोडक्ट के लिए अलग टारगेट था। इस तरह से अलग हमारे पास है। अब मुझे यहाँ पे जो है यहाँ पे मुझे इस पे परसेंटेज दिखाना है। मैं 46 क्वांटिटी नहीं चाहिए, कितना परसेंट सेल हुआ ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। कैसे करें इसके लिए? लिए मैं यहाँ पे एक एक जाके अगर हम डिवाइड करेंगे 88 से तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम पूरे के पूरे डेटा को उठाते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइड। तो ये पूरी की पूरी रेंज को भी हम पेस्ट कर सकते हैं यहाँ। नहीं, अगर मान लीजिए इसके अंदर फॉर्मूला है तो मुझे फॉर्मूला को चेंज नहीं करना। मान लीजिए कि फॉर्मूला है हमारे पास, हमारा फॉर्मूला है और मैं चाहता हूं कि मेरा फॉर्मूला चेंज ना हो, तो फिर भी हम यहां से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और इसमें हम डिवाइड, तो फॉर्मूला को ब्रैकेट में लेके देखिए फिर डिवाइड किया। समझ में आ गया आप लोगों सर? नील जी, सुमेश जी, समझ में यस आया? यस यस कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि सेल्स, मैं यहाँ रख देता हूँ सेल्स, उस सेल्स आइटम में यहाँ रखता हूँ। मुझे क्या करना है कि ये जो नंबर्स हम दिख रहे हैं आपको, सर 2 0 यहाँ दे दिया, यहाँ पे 3 0 कर दिया, यहाँ पे 4 0, इस तरह के मेरे अपडेट्स हैं। ठीक है, ये मेरे अपडेट्स हैं, राइट सर? मुझे क्या करना है कि इसमें से कॉपी करके इसमें या इसमें पेस्ट करना है, राइट? लेकिन मुझे पेस्ट उसी नंबर पर करना है जो नंबर हमारा यहां है। ब्लैंक को पेस्ट नहीं करना है, ब्लैंक है उसको पेस्ट नहीं करना है। तो इसको कॉपी किया और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल में अगर मैं यहां पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूं, पेस्ट एज ए वैल्यू, तो क्या होगा कि इसमें ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएगा या कोई पेस्ट होगा तो ब्लैंक भी पेस्ट कर देगा। देखिए, बट ब्लैंक नहीं पेस्ट करना है क्योंकि ब्लैंक मेरा करेक्ट है, हमें जो अपडेट्स है वो अपडेट्स पेस्ट करने हैं। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें हमारे पास आता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक में जब हम क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है कि आप उस वैल्यू को पेस्ट नहीं करेगा जो उसमें ब्लैंक है। ठीक है, उस वैल्यू को पेस्ट नहीं करेगा जिसमें ब्लैंक है। एंड ओके करते हैं। हाँ जी, सर, अगर मुझे ए कॉलम से बी कॉलम में करना है और जो 20 है उसकी जगह ये वाला रखना है, नहीं पहले था 75। नहीं,
उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता नहीं मीन्स लाइक ब्लैंक ही कॉपी हो और बाकी जो नॉर्मल है वो नहीं नहीं सर, उल्टा पहले उल्टा कॉपी। उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा सर, ये हो गया हमारा, चलिए ये हो गया। अब दूसरी चीज में ये आता है, क्या बोलते हैं, हाँ दूसरी चीज में आता है पेस्ट एज ए लिंक। मतलब हमारे पास अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, या इसे लेता हूँ, मान लीजिए ये डेटा है आपका, मुझे इस डेटा को कहीं पे लिंक जैसा है उस तरह का लिंक चाहिए, जैसा लिंक है उस तरह का लिंक चाहिए, तो मैं कॉपी करके कहीं भी, जैसे दूसरे सीट पे चाहिए, मैं यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी लिंक हो सकता है, रहा पेस्ट एज ए लिंक। इससे क्या होगा कि जो मैं जो सीट इस सीट पे जो टाइप करूँगा, जो चेंज करूँगा, वो चेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। तो सेम सीट अनदर फाइल पे भी आप कर सकते हैं। ओके सर, बस अब मैं इसके अंदर मान लीजिए कि मुझे इसको एक बड़े से डेटा में दिखाना है, बड़े छोटे से डेटा में दिखाना है, मतलब छोटे से एरिया में दिखाना है। तो अगर मैं कॉलम छोटा करूंगा तो चलो मान लीजिए यहाँ पे सही छोटा हो जाएगा, लेकिन नीचे तो छोटा नहीं ना होगा, नीचे हो सकता है कोई डेटा हो जो बड़ा हो। तो पेस्ट एज यहाँ पे आपका पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर अगर आप कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसको आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं और अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, जैसा उस तरह से कर सकते सर। और सर इसमें नहीं सर, इसको ऐसे कॉपी भी करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं ना, क्या जैसे पिक्चर भी खत्म हो गया ना, तो इसको कहीं किसी किसी को व्हाट्सएप पे ही भेजना है तो इसको भेज सकते हैं ना। को, हाँ पिक्चर हो गया, इसको जो जहां मर्जी पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट करो, और इसको बाहर निकालना है तो इसको कॉपी करके पेन पे डाल दीजिए। सर इसको दूसरे एक्सेल शीट पे कर सकते हैं, मतलब अगर ये जो मतलब कहीं शीट, भी कर सकते हैं, कहीं भी, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये होगा कि ये आपस में लिंक नहीं होगा, कि आप कोई वैल्यू चेंज करें और इस पे अपडेट हो, नहीं होगा अपडेट, समझे। हाँ सर ऐसा नहीं कर सकते, पिक्चर लिंक और पिक्चर मतलब वो भी कर दोनों सकते साथ हैं, हम उसको कॉपी करेंगे और यहां पे हमारे पास पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक होता है, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे ये जो पिक्चर लिंक था उसको हमने यूज किया, तब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में लिंक हो गया। अब जो भी चेंज होगा, देखिए चेंज होगा, यहां पे कोई कलर भी हम चेंज करेंगे तो चेंज होगा। ये सेम सीट अनदर फाइल पे होगा, यहां तक कि आप एमएस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका एमएस वर्ड पे भी होगा। ठीक है, एमएस वर्ड पे मैं बताता हूं, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने पेस्ट एज ए लिंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोड कर दिया। अब यहां पे अगर मान लीजिए, चलिए एक और मैं एक कलर लाइन चेंज करता हूं, इसको पावर पॉइंट पे भी किया जा सकता है, अगर आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो पावर पॉइंट में भी इस तरह से किया जा सकता है। से कॉपी यहां पे कॉपी कर लो, मैं
कॉपी और पावर पॉइंट पर आता हूँ, पेस्ट स्टेशन, और यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा आपका वहां चेंज हो जाएगा। अब इसका आउटलुक इस्तेमाल करते हैं कि आउटलुक में कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। क्या होता था कि मैं एक सेल्स कंपनी में काम करता था सर, कुछ साल पहले। तो उसमें क्या होता था कि मुझे सेल्स अपडेट को हर घंटे भेजना होता था। सेल्स अपडेट एक डेटाबेस से लिंक था, मुझे हर घंटे उसको मेल करना होता था। तो हर घंटे मुझे क्या करना है कि मैं पुराना मेल को ही ओपन कर दूं, उसको फॉरवर्ड कर लूं, मुझे टू सीसी सब देखना होता था, मुझे कि इस तरह से देना है। यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे डियर इसे लिखा रहता था, हम ये जो है इसको हम पेस्ट करते थे। इसको क्या करते थे, कॉपी करके मैं क्या करता था कि वैल्यू पेस्ट करता था, सॉरी पेस्ट एज ए लिंक करता था, पेस्ट एज ए लिंक। ओके सर, उसके बाद अब यहाँ पे था रिगार्ड इन फॉर्मेट, तो हमने क्या किया, पेस्ट एज ए लिंक कर दिया। अब मैं इसको पेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको सेव एज कर लूंगा। क्या कर लूंगा, सेव एज, इसमें एक्सेल सॉरी इसकी टेम्पलेट में, आउटलुक टेम्पलेट में एक लोकेशन पे। ओके सर, अब इसको मैं क्लोज कर दूं। अब इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे मेल करना होगा, बस मेरे जो सेल्स अपडेट आपको यहां दिख रहा होगा इस पे डबल क्लिक करना है। यस, खुल गया और आपने सेंड कर। मान लीजिए मैंने डेटा को अपडेट किया, मान लीजिए जो ये जो येलो कलर था पूरे येलो कलर को चेंज कर देता हूँ, या डेटा चेंज करना है तो डेटा भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं फिर वापस क्या करना है, इसको राइट डबल क्लिक करना है, एक मैसेज बोलेगा उसको यस कीजिए और ये आपका चेंज हो गया कलर। अगर कभी चेंज नहीं हुआ तो राइट अपडेट लिंक, आपका लिंक को अपडेट कर देगा। तो हर बार मेरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि जिसको मैं मेल करूंगा उसके यहाँ चेंज हो जाएगा, देखिए आ गया ना सर यहाँ पे, देखिए उसके यहाँ चेंज होगा, नहीं उसके यहाँ चेंज नहीं होगा, या फिर आप मेल कर चुके हैं वहां चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, तो इसका इस्तेमाल लोग करते थे अपने ऑफिस में आउटलुक का। और सर ये आउटलुक क्या होगा, अगर हम इसको जीमेल या कोई दूसरे मेल पे करना है तो उसमें? नहीं सर, एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। चलिए क्लिपबोर्ड का ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके लिए छोटा सा डेटा बनाता हूं, साथ डेटा हमने इसको तैयार किया हुआ है, और इसको मैं कई सारे शीट पे रख लेता हूं। पेस्ट पेस्ट और भी ज्यादा करता हूं, पेस्ट और यहां पे इसको पेस्ट इज वैल्यू। ठीक है,
मुझे क्या करना है कि सारे डेटा को एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, फिर कॉपी करते हो, फिर सबसे नीचे जाते हो, पेस्ट करते हो। इसमें मैं आपकी आधा काम खत्म कर सकता हूँ। जी हाँ, आधा। तो आपको क्या करना है, बस क्लिप बोर्ड को ऑन करना है, ये जो यहाँ साइड में क्लिप बोर्ड होता है इसको ऑन करना है, और फिर इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए, फिर अगले सीट में जाइए, फिर सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। अब आपको सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी करना है। तो जितने भी कॉपी करेंगे वो आपके यहाँ पे जो आपके ये है क्लिप बोर्ड है, उस क्लिप बोर्ड में आ जाएगा। उसके बाद जब पेस्ट करना हो यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दीजिए, ये आपका एक बार में सारा पेस्ट कर देगा। यही नहीं, आप एक्सेल पे ही नहीं, किसी अनोदर एक्सेल पे, अनोदर वर्ड पे, इंटरनेट पे, कहीं भी क्लिप बोर्ड अगर आपने ऑन कर लिया, आप कहीं भी कोई कॉपी करते हैं तो क्या होगा, आपका क्लिप बोर्ड में चला आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंटरनेट से कुछ डेटा, कुछ सारी चीज कॉपी कर रहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल ट्रेनिंग, ठीक है। अब मुझे इसको कॉपी करना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया कॉपी, सेलेक्ट किया कॉपी, बस अभी कॉपी करते जाना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कॉपी मिल जाएगी, समझे सर। और जहां पेस्ट करना है दैट पेस्ट ऑल, आपका पेस्ट हो जाएगा। डाउट इसमें सर? नहीं ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल सुबह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीज, ठीक है सर? मिलते हैं कल सुबह, ओके बाय।